गेमिफिकेशन दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग गेमिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि आप जो है गेम के जरिए एक तरीके से होता नॉन गेम है नॉन गेम कंटेक्सट में ही आप जो है गेम ऐड कर देते हो और उसके बाद जो है कस्टमर को इंगेज करते हो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जैसे कि आप अगर किसी भी कम, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपको दस हज़ार पॉइंट मिलेगा आपको जो है क्रेडिट कार्ड बिल अगर पेमेंट करेंगे जैसे आपने क्रेडिट का एग्जाम्पल देखा हो तो क्रेडिट क्या है आजकल क्रेडिट क्या है आप पेमेंट ही कर रहे हो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करो लेकिन क्रेडिट के जरिए करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे रिवार्ड्स मिलेंगे तो दैट इज गेमिंग आप जो है अगर पाँच हज़ार रुपए की शॉपिंग करेंगे तो आपको पाँच सौ पॉइंट मिलेंगे और पाँच सौ पॉइंट को अगले शॉपिंग में आप यूज़ कर सकते हो तो अलग अलग गेमिंग है ठीक है आप जो व्हील वाला आता होगा अपने फ्लिपकार्ट देखा होगा कि व्हील आता है आप डेली आपको एक व्हील मिलेगा आप सर उसको घुमाइए आपको अलग अलग कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे तो डेट इज गेमिफिकेशन तो उसको उसको खेलने के चक्कर में या फिर रिवॉर्ड पाने के चक्कर में लोग उस गेम को खेलते हैं और फिर वो वहाँ पे डायरेक्टली जो है उसके क्या कहते हैं मार्केटिंग होती है इन्वॉल्व इन कॉपरेटिंग गेमिंग एलिमेंट इन टू ए नॉन गेमिंग कंटेक्स टू इम्प्रूव एंगेजमेंट लेवल एंड एनकरेज यूजर्स टू टेक स्पेसिफिक एक्शन तो यहाँ पे क्या होता है मार्केटिंग गेमिफिकेशन में यानी कि आप मार्केटिंग करते हो लेकिन गेम के जरिए करते हो और वहां पे इंगेजमेंट लेवल को बढ़ाते हो और इंकरेज करते हो कि लोग आपका जो है प्रोडक्ट परचेज करें जैसे आपने सर्कल किया आपने उसमें आ गया कि आपको एक गेम डाल दिया तो सर्कल आप घुमाइए जिस जिसपे भी रुकेगा आपको विनर मिलेंगे आप घुमाया आपको मिला जो एरो आया वो आया सपोज करे कि

कंपटीशन पे फेस करना होगा जीते तो आपको प्राइज मिलेगा रैंकिंग कहीं कर दी गई कहीं पे स्कोरिंग स्कोर करने के बाद गेमिफिकेशन तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गेमिफिकेशन एज ए मार्केटिंग टूल इज टू बूस्ट सेल एंड इंक्रीज प्रॉफिट तो दो ही इंपॉर्टेंट है सेल को बूस्ट करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना बट ऑबियस है अगर सेल इंप्रूव होगा तो आपकी प्रॉफिट भी इंप्रूव होगी एड इन कलेक्टिंग कस्टमर डेटा ये जो मार्केटिंग गेमिफिकेशन एक टेक्निक भी है कि आप डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर का इंगेजमेंट को इंक्रीज करते हो कंपनी ब्रांड को बूस्ट करते हो और रिपीट बिजनेस को प्रमोट भी करते हो तो यहाँ पे अलग अलग होते हैं जैसे कि आपके ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है आप अट्रैक्ट अटेंशन अपने कस्टमर का अटेंशन बढ़ता है इंगेजमेंट बढ़ता है लॉयल्टी अर्न होती है लीड्स जनरेट होते हैं डेटा जब आपके पास आता है फॉलोअर्स बढ़ते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट आप जो है क्रिएट करते हो इंटरटेन भी करते हो साथ ही साथ यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ एंटरटेन भी करो गेम भी उनसे पिलवा खिलवा रहे हो इंक्रीज ट्रैफिक ट्रैफिक बढ़ता है इंफॉर्मेशन दी जाती है मोटिवेट होते हैं इंटरेस्ट भी बढ़ता है और प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस हो साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप जो है प्रमोट भी कर लेते हो गेम के जरिए तो दैट इज मार्केटिंग गेमिफिकेशन यानी कि आप मार्केटिंग तो कर रहे हो लेकिन उसको गेम के जरिए कर रहे हो कि लोग गेम खेल रहे हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और, और साथ ही साथ आप जो है अपने सेल्स को प्रमोट भी कर रहे हो सेल्स को बूस्ट कर रहे हो प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या है ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू डिजिटली जो है आप अपने आ, प्रोडक्ट्स की ब्रांड की प्रमोशन करते हो तो सर्च मीडिया मार्केटिंग सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया जहाँ पे आप सोशल मीडिया का यूज़ करके मार्केटिंग कर देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया जहाँ पे आप सर्च इंजन का जैसे गूगल या हो या बेंगो जो सर्च इंजन होते हैं उनके जरिए आप जो है अपनी मार्केटिंग कर रहे हो मार्केटिंग गेमिफिकेशन आप अपनी गेमिंग गेम जो है मार्केटिंग गेम बना के जो है आप वहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हो वीडियो बना के आप मार्केटिंग कर रहे हो मोबाइल मार्केटिंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स में जो है अला एस एम एस भेज के एम एम एस भेज के जो है आप जो है मार्केटिंग कर रहे हो तो तो डिजिटल ये सारी चीजें क्या देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके ही मार्केटिंग की जाए तो यही आपको डिजिटल में आपके पर्टिकुलर नीड को प्रोवाइड करने के लिए फुलफिल करने के लिए अलग अलग एप्स आते हैं तो दैट इज एप्लीकेशन तो मोबाइल ऐप्स एप्लीकेशन जो मोबाइल में चलाए जा सकते हो तो दैट इज मोबाइल एप्स मोबाइल एप्लीकेशन और एप्स आज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल फोन टैबलेट, कंप्यूटर जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए होते हैं मोबाइल टेलीफोन या फिर इन सब चीजों के लिए और ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए होते हैं जैसे कि आपको एस बी आई अकाउंट पर बैंक है आपको एस बी आई अकाउंट को डील करना है तो एस बी आई का ऐप आएगा आपको अमेजोन की वेबसाइट से परचेज करना है मोबाइल मेंचेज कर दो अमेजोन का ऐप ऐप आता है YouTube चलाना है तो YouTube का वेबसाइट पे भी हो साथ ही साथ YouTube का ऐप भी आता है तो हर पर्पस के लिए अलग अलग ऐप बने हुए हैं और ऐप्स जो है आप उनका यूज़ कर सकते हो तो मोबाइल ऐप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो टैबलेट में कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो तो कंपनीज अपना खुद का ऐप भी बना के वहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं प्रमोट कर सकती हैं या साथ ही साथ वो दूसरे ऐप में अपने आप को एडवर्टाइज कर सकती है आप बहुत सारे ऐसे ऐप देखते हो कि जहां पे इन ऐप जो है एडवर्टाइजिंग होती है आप बहुत सारे ऐसे ऐप देखते हो जहां पे ऐप ओपन करते हो होगा किसी दूसरे पर्पज के लिए लेकिन कहीं दाएँ से बाएं से एक मैसेज जो है एक एडवर्टीजमेंट निकल के आता है तो दैट इज़ इन ऐप एडवर्टाइजिंग कहलाता है तो ऐप का यूज करके भी आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो ऐप्स आर अवेलेबल थ्रू मोबाइल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म सचैस तो ये जो ऐप्स होते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के यूज़ होते हैं जैसे कि आप जो नॉर्मली आज के टाइम पे सब लोग क्या कहते हैं गूगल प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं इसी तरीके से एप्पल प्ले स्टोर है ऐप स्टोर है गूगल प्ले हो गया विंडो फोन मार्केट प्लेस है ब्लैकबेरी ऐप वर्ल्ड हो गया तो ये सब क्या है ये सब मोबाइल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म यानी कि जो छोटे छोटे अलग अलग छोटे बहुत सारे बिजनेस के एप्स होते हैं वो एप्स इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ से लोग अपने मोबाइल में टैबलेट में लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं तो दैट इज़ एप्प्स मोबाइल ऐप्स सम स्मॉल टू मीडियम बिजनेस आर यूजिंग एप्स टू इंप्रूव देयर प्रोसेस एंड हेल्प देयर कस्टमर्स तो बहुत सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं जो कि ऐप्स का यूज़ करते हैं और अपने प्रोसेस को अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं वो ऐप्स जो है आप किसी दूसरे ऐप के अंदर अपने एडवर्टीजमेंट कर सकते हो या फिर खुद का ऐप बनाकर अपनी एडवर्टीजमेंट्स आप कर सकते हो अदर्स आर डेवलपिंग देयर ऑन ऐप्स फॉर स्टाफ टू यूज़ और टू सेल एज ए प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग ऐप्स अपना खुद का भी बना के जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने स्टाफ को अपने कंपनीज को एम्प्लॉयज़ को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं तो मोबाइल ऐप्स कैन हेल्प बिजनेस ऑनर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं प्रोवाइड कस्टमर सर्विस पहले कस्टमर सर्विस प्रोवाइड जैसे बैंकिंग और होते हैं बहुत सारे बैंक से अलग अलग अकाउंट में है। बैंक में अकाउंट है तो उन बैंक का अपना अपना खुद का जो है आता है ऐप उसके थ्रू आप जो है पैसे ट्रांजेक्ट कर सकते हो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो पैसे निकाल सकते हो तो अलग अलग एप्स हैं एस का हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो गया पी का हो गया सबका अपना बैंक आता है तो ये प्रोवाइड कस्टमर सर्विस तो की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से एड वैल्यू ऐप दैट इनहेंस कस्टमर रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो वैल्यूज को एड करते हैं मेक मनी बहुत सारे ऐसे है जो मनी बनाते हैं आप उसको डाउनलोड करके वहां पे गेम खेलिए या फिर कुछ और खेलिए तो आपको तो पैसा मिलेगा तो सेलिंग एप बेस्ड ऑन द बिजनेस बहुत सारे ऐसे ऐप टू डू देयर बिजनेस बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जिनका यूज सिर्फ बिजनेस को करने बिजनेस करने के लिए यूज किया जाता है कि ब्रांड अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए नहीं। हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके मोबाइल में ऐप डाल दिया आप जहां पे भी मार्केट में कोई भी डेटा आप कलेक्ट करें उसको फिल कर दीजिए हम यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकें तो बिजनेस करने के लिए भी जो है मोबाइल ऐप्स का यूज़ किया जाता है तो ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़ हैं तो देखिए मोबाइल एप्लीकेशन सिंपल सा कि वो एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके जब जो है कंपनीज अपने प्रोमोट ब्रांड को प्रमोट करती है अपना कोई भी जो है बिजनेस कर रही है पैसे कमा रही है वैल्यू एडिशन कर रही है तो वो चीज़ क्या कहलाती है मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन इन द बिजनेस तो बिजनेस ऑनर जो है ये अलग अलग परपज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने करते हैं वैल्यू को एडिशन करने के लिए करते हैं मनी कमाने के लिए करने होते हैं बिजनेस को और बढ़ाने के लिए करते होते हैं तो ये ऐप्स का यूज़ होता है विशो ऑल द बेस्ट की चैनल For more videos thank you